नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं हूं संजीव और आज मैं आपके सामने एक नई तरीके से अपना लेक्चर लेकर आया हूं। आपको पीछे काली स्क्रीन दिख रही होगी और सामने आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां पर कांच लगा हुआ है। अब इस पर मैं आपको अपना लेक्चर डिलीवर करूंगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? जैसे हम कहें कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर के बेसिक्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि कई सारे जो कंप्यूटर साइंस के अलावा जो टीचर्स हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और इन्होंने कंप्यूटर ज़्यादा सीखा नहीं है लेकिन फिर भी मोबाइल वगैरह तो चला लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि कंप्यूटर के बेसिक्स कि हम पेन ड्राइव से डेटा कैसे सेव करें, इधर से उधर कैसे ले जाएं, ये सब मैं इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ। और ये हमारे 11th क्लास के जो कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि उनका भी जो पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, जिसमें वो इसके बेसिक्स के बारे में पता करेंगे और पढ़ेंगे। तो ये मतलब हमारे 11th और 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर के लिए नए हैं या कंप्यूटर से जिनको डर लगता है कि कंप्यूटर है क्या चीज़, अंदर से कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो हमने कई किताबों में पढ़ा है कि कंप्यूटर का एब्रिविएशन कि सी फॉर एक पर्टिकुलर कोई वर्ड, ओ फॉर एक पर्टिकुलर कोई वर्ड, एम फॉर एक पर्टिकुलर कोई वर्ड, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। एब्रिविएशन तो मैं अपने नाम का भी बना सकता हूँ, तो ये मेरी डेफिनेशन थोड़ी होगी। कंप्यूटर शब्द लिया गया है कंप्यूट से, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है अभिकलन, कंप्यूट का मतलब होता है अभिकलन, जिसका मतलब है हम अपने कोई भी काम को स्टेप वाइज तरीके से करते चले जाएं, तो ये कहलाता है अभिकलन। आपने एक खाना बनाना है, खाना बनाने का अपना एक अलग प्रोसेस है, रोटी बनाने का अपना अलग प्रोसेस है। पहले आप आटा निकालेंगे, छानेंगे, पानी मिलाएंगे, उसका आटे को गूंथेंगे, फिर उसकी आप लोई बनाएंगे, फिर गोल मतलब बेलेंगे, उसके बाद तवे पर आप उसको डालेंगे। मतलब इसमें से कोई स्टेप आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कहा जाए कि हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं हमारा माइंड उसकी कैलकुलेशन करता रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि कैच लेते समय हमको, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हो, कैच लेते समय एक बॉलर ने बॉल फेंकी, उसने बॉल यहाँ फेंकी, यहाँ से थ्रो किया, लेकिन यहाँ खड़ा हुआ बंदा उसको कैच ले लेता है। क्यों कैच ले लेता है? क्योंकि उस बंदे ने यहाँ से फेंकी गई बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको कैलकुलेट किया, कितने एंगल पे फेंकी गई उसको कैलकुलेट किया, किस स्पीड से फेंकी गई उसको कैलकुलेट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट किया, तब उसने उस पोजीशन का अंदाज़ा लगा लिया। वो तो मान लो यहाँ नहीं खड़ा था, यहाँ से वो तुरंत यहाँ पहुँचता और गेंद को कैच कर लेता है। इसका मतलब उसका दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है कि कहीं से आपका दिमाग मतलब आपकी आंखों ने देखा और स्पीड को कैलकुलेट किया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर कैलकुलेशन चल रही है, दिमाग ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो ये जो स्टेप वाइज तरीके से कोई काम करना है दैट इज कॉल्ड अभिकलन, और अभिकलन को इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूट, और कंप्यूट करने वाला कंप्यूटर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंप्यूट्स, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव सम आउटपुट। अब आप कहेंगे कि ये दिखता कैसा है? तो कंप्यूटर को क्या कहा, मतलब जो आपने आजकल अपने आप पास कंप्यूटर्स देखे होंगे वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। ये आपका कंप्यूटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर में आप देखिए कि ये मॉनिटर हो गया आपका, ये सीपीयू हो गया आपका, ये माउस हो गया आपका, और ये आपका कीबोर्ड हो गया नीचे। तो ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की जो बेसिक जो फंडामेंटल वो ये है कि हम कंप्यूटर को कभी भी जो कुछ भी है हम उसको इनपुट देंगे, जिसे हम कहते हैं इनपुट। ये कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा और हमें देगा आउटपुट। ये काम करता है। इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट के रूप में हम इसमें दे सकते हैं टेक्स्ट, इमेज, वीडियो,
साउंड, एनिमेशन, कुछ भी रॉ फॉर्म में दिया, इसको उसने प्रोसेस किया, कंपाइल किया, जो कुछ भी मतलब है उस प्रोसेसिंग को इस कंप्यूटर ने किया, और इसके बाद इसने आउटपुट दे दिया। अब आउटपुट आपको कहां कहां दिखेगा? मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, इन जगहों पर आपको दिखेगा हमारा आउटपुट। तो अगर हम बात करें कि हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो अब हम इसको समझते हैं, और कंप्यूटर के लिए हम थोड़ी देर के लिए ये समझें कि कंप्यूटर एक तरीके से इंसानी मशीन है, इंसान के जैसा काम कर रहा है। तो उसके लिए हम अभी थोड़ा सा मतलब इसको समझते हैं कि कैसे ये इंसान की तरीके से काम करता है। जैसा कि हमारा इंसानी शरीर है, हमारे पास भी प्रोसेस करने के लिए ब्रेन है, ये हमारा प्रोसेसर है। इस ब्रेन तक डेटा को पहुंचाने के लिए हमारे पास ढेर सारी इंद्रियां हैं, जिन्हें हम लोग इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं, इंसान के इनपुट डिवाइसेस। आंखें हो गई, कान हो गए, स्किन हो गई, नाक हो गई, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस फॉर ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी को पूरे कंप्यूटर के तरीके से देखें, तो ये हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो इनपुट डिवाइस का काम करती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई मुझे यहाँ पर स्विच हुए, स्विच होने के बाद मेरा रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं खड़ा हूँ, कोई पीछे से आके स्विच होता है, तो मेरे सबसे पहले तो इनपुट जाएगा मेरे स्किन के थ्रू दिमाग तक, बहुत तेजी से जाता है, और जैसे ही आपको कोई नुकीली चीज चुभती है तो आप एकदम से ऐसे हटते हैं। तो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट ऑफ योर बॉडी, है ना। मीन्स हमारे दिमाग ने तुरंत आदेश दिया, उसने प्रोसेस किया कि कोई नुकीली चीज है, अगर उस जगह से नहीं हटे तो आपके शरीर को हानि हो सकती है, उस जगह से बॉडी को हटाओ। तो इंस्ट्रक्ट किया हमारे दिमाग ने, और हमने अपनी बॉडी को उस जगह से हटा लिया। ये चीज है हमारी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऐसी हमारी आंखें हैं, अगर कोई मुझे वहां से दूर से पत्थर फेंक के मारे, मेरी आंखें ठीक हैं, तो मैं उस पहले तो उस पत्थर को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करूंगा, बहुत फास्ट होता है ये काम, वो पत्थर कितनी स्पीड से आ रहा है और मेरे माथे तक वो कितनी देर में पहुंच जाएगा, उससे पहले पहले मेरी बॉडी को उस जगह से मूव कर देना है, ये दिमाग आदेश देता है। यानी इतनी प्रोसेस हुई, इनपुट हुआ कि कोई पत्थर मेरी तरफ आ रहा है, दिमाग ने प्रोसेस किया जगह से नहीं हटे तो सर फुट जाएगा, और उसके बाद क्या करते हैं, आप ऐसे हट जाते हैं तो पत्थर ऐसे निकल जाता है। तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, यही हमारी इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होती है। हमारा शरीर भी बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे काम करता है, कह लो कि कंप्यूटर हमारे शरीर के जैसे काम करता है। अब आप कहेंगे कि हमारे अंदर तो जान होती है, तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के अंदर भी जान होती है, तो हाँ होती है, लेकिन वो हमारे ह्यूमन बींग से और किसी भी प्राणी से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी देखेंगे कैसे। जैसे मैंने अभी बात की कि हमारे पास अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं, वैसे ही अगर आप कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर के पास भी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। आप यहां पर देखिए, ये कंप्यूटर के पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। कहीं आपका प्रिंटर लगा हुआ है, आउटपुट देना है, अगर आपको कुछ टेक्स्ट भेजना है तो आपने कीबोर्ड दे दिया, अगर आपको कोई कमांड देना है तो आपने माउस का यूज़ कर लिया, अगर आपको कोई फोटो इंसर्ट करनी है तो आपने स्कैनर का यूज़ कर लिया, अगर आपको जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को इनपुट करवाना है तो आपने कैमरे का यूज़ कर लिया। तो ये सारे इसके इनपुट डिवाइसेस हो गई, ये उसकी इंद्रियां हो गई। यहां से डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर गया, और कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है जो उसका दिमाग कहलाता है, वो उसको प्रोसेस करता है, और जिस तरीके की आपने इन्फॉर्मेशन दी है और जो रिक्वायर्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको वो या तो प्रिंटर पे या प्रोजेक्टर पे या मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले कर देगा, जैसा आपको चाहिए। अगर आपने कोई साउंड इनपुट किया है, अलग अलग साउंड उनको कंपाइल करके बढ़िया गाना बना लिया है, तो आपको वो स्पीकर पे सुना देगा, उसका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो जिस तरीके का डेटा उसी तरीके का इनपुट डिवाइस, और जिस तरीके का डेटा आउटपुट में जाना है उसी तरीके का आपका डिवाइस। डिस्प्ले होगा तो मॉनिटर पे जाएगा, प्रिंटेबल होगा तो प्रिंटर पे जाएगा, साउंड होगी तो आपको स्पीकर पे सुनाई देगा। तो ये तो एक रिलेशन हो गया कि ह्यूमन बॉडी और कंप्यूटर के बीच में। अब कहें कि हम जान किस तरीके से कहें इसको कि ये इसके अंदर जान होती है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर का पहले ब्लॉक डायग्राम क्या है, हम उसको समझते हैं, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। तो हमारे कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये कहता है कि ये है हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, इसको आप बहुत गौर से देखिए। और इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ से इनपुट आपको दिया जा रहा है,
बीच में बॉक्स बना हुआ है, उसमें तीन यूनिट अलग अलग हैं और सबसे किनारे पर आपको दिया हुआ है ये आउटपुट यूनिट। तो अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इस ब्लॉक डायग्राम में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, फिर उसके बाद सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन आउटपुट यूनिट। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें कंप्यूटर के सारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू रॉ मटेरियल हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट यूनिट, जिसमें आपका कीबोर्ड, माउस, जितने तरीके के इनपुट डिवाइसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट। हम अपना अगला एक चैप्टर लेंगे क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज का पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको हल्के एग्जांपल्स ले लेता हूँ, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, माउस और कुछ भी इनपुट जिससे आप लेते हो, जैसे स्कैनर हो गया। आउटपुट यूनिट जिसमें आपका आउटपुट आता है, मतलब इनपुट देने के बाद सीपीयू ने प्रोसेस किया, सीपीयू ने प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट पे आउटपुट दिखाएगा आपको। इसमें आपका मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, जो आप, मैं अभी सिर्फ वो डिवाइसेस ले रहा हूँ जो आपको सामने सामने आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, आजकल इतना यूज हो रहा है। और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर के बाद आपने आजकल प्रोजेक्टर भी देखे होंगे बहुत सारे, है ना, इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी नहीं, इनसे भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने तो सिर्फ अभी एक समझाने के पर्पज से सिर्फ इतना हिस्सा लिया है। सीपीयू क्या है कि ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तीन चीज़ों से मिलकर बना है, एक आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक मेमोरी यूनिट, इतनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये हमारा कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है ये कहलाता है। अब हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके की बात करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि हमारा इनपुट यूनिट क्या है, सीपीयू क्या है और आउटपुट क्या है, इसके बारे में बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ली। इसके बाद हम लोगों ने आज इन्फॉर्मेशन ली कि इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ब्लॉक डायग्राम आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को हम इतने तरीके से, मतलब इस तरीके से असेंबल करते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आपकी आउटपुट यूनिट, इन सबको मिलाकर हम एक छोटा सा कंप्यूटर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हमारा ये इंसान के जैसा, जो अभी मैं बात कर रहा था कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया था कि आँख से देख के कैसे वो कंप्यूट करता है, इसी तरीके से मैं अभी थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंसानी दिमाग इंसान जैसा कैसा है, कि हमारा ऊपर का शरीर, उसके अंदर की आत्मा, कंप्यूटर काम कैसे करता है, हम कैसे काम करते हैं कि हमारा जो बॉडी है, जब तक हम जाग रहे हैं तब तक तो हम काम करते हैं, अगर हम सो जाते हैं, सोने के बाद क्या होता है कि हमारा दिमाग अनकॉन्शियस उसमें चला जाता है और हमारी बॉडी एकदम शिथिल हो जाती है। उस समय अगर हमको कोई पोक ना करे तो हम लोग जागने वाले नहीं, कोई हमसे काम होने वाला नहीं, अगर कोई थोड़ी बहुत आवाज़ भी देता है तो हमको नहीं सुनाई देने वाला। कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है, इसीलिए इसको कंप्यूटर को कहा जाता है साथ में सिस्टम। Why computer is known as computer system? तो सिस्टम की हम डेफिनेशन देखें तो सिस्टम हमारा क्या होता है? सिस्टम बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम क्या होता है? छोटे छोटे निकायों का समूह किसी एक काम को करने के लिए जब काम करें तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। आप किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, सबका एक अपना अलग सिस्टम होता है। एक ऑफिस में कोई एक अधिकारी होगा, उसके नीचे कुछ तीन लोग काम कर रहे होंगे, उनके नीचे कुछ दो तीन लोग काम कर रहे होंगे। अब जब काम होता है तो नीचे लेवल से शुरू होता है कि किसी क्लर्क ने कुछ काम किया तो फिर वो फाइल जाती है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने उस पर साइन किया, वो गई हमारे मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट ने उस पर साइन किया, तब कहीं जाकर वो आगे काम करता है। यानी कि प्रिंसिपल का अपना अलग कंपोनेंट है, ऑफिस का अपना अलग कंपोनेंट है, मैनेजमेंट का अपना अलग कंपोनेंट है, ये सारे मिलकर एक स्कूल रन कर रहे हैं। दिस इज वाई दिस इज नोन एज स्कूल सिस्टम। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो देखें कि सबसे पहले आप कंप्यूटर को देखते क्या है, जो आप देख रहे हैं उसमें, जिसको आप टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर को ऐसे डिनोट करते हैं। अब जब हमारे पास हार्डवेयर है तो खाली हार्डवेयर से हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हार्डवेयर से कुछ नहीं कर सकते, वो एक डब्बा होता है।
उसके अंदर हमें जान फूंकनी होती है। जान फूंकने का मतलब है उसके अंदर हमको सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। क्या डालने पड़ते हैं? सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, ये एस डब्ल्यू मैंने लिखा। अब थोड़ा सा बड़ा क्योंकि अभी समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर में दो कैटेगरी के आते हैं, एक वो जो इस हार्डवेयर को चलाने में, इसको मैनेज करने में, और इसको कह लीजिए कि पूरा ओवरऑल इसका मैनेजमेंट देखने का काम करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसको कहते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद इसके ऊपर आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं, जिन्हें हम लोग ऐप बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं। तो हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज करने जाइए तो वो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग विंडोज डाल दिया, लिनक्स डाल दिया, है ना, मैक आपका पीसी है तो उसमें आईओएस डाल दिया। तो इस तरीके से करके आपका कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, जो इस हार्डवेयर को मैनेज करेगा, इसके रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ जाए तो अब आपको अपने काम करने हैं ना, कि मुझे कैलकुलेशन करनी है, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे गाना सुनना है। तो ये जो काम है छोटे छोटे, ये काम करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशंस लगती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको टाइपिंग करनी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, देन यू हैव टू इंस्टॉल एमएस वर्ड। आपको टेबल फॉर्म में काम करना है, यू हैव टू वर्क ऑन एक्सेल। आपको पेंट करना है, पेंटिंग करनी है, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन ये पेंट ब्रश। और गाना सुनना है तो आपको कोई ना कोई प्लेयर चलाना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग ऐप। आप सब लोग मोबाइल से तो वाकिफ होंगे, मोबाइल में सबसे पहले एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड इज योर ओएस, और उसके ऊपर जो आप ऐप डालते हैं, कि आपने फेसबुक डाला, व्हाट्सएप डाला, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज मीन्स विच वर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू हार्डवेयर। एप्स आर दोज सॉफ्टवेयर्स विच आर यूजफुल फॉर यूजर्स एंड इंस्टॉल्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से कंपोनेंट काम करता है, बिना ओएस के हार्डवेयर काम नहीं करेगा। जब हार्डवेयर नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ेगा, और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाएगा आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब ये सारी चीज़ें, मोबाइल बंद करके जो पड़ा हुआ, क्या उस पर काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसके ऊपर भी एक चीज़ होती है, यूज़र। उसके ऊपर एक अलग लेयर बनती है यूज़र की, और यूज़र किस पे काम करता है? डेटा को लेकर काम करता है। अगर उसको गाना सुनना है तो पहले उस गाने रूपी डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा, तब वो उसको प्ले करेगा। तो ये है हमारा कंप्यूटर। तो ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर, हार्डवेयर जो है ना कंप्यूटर है, उसका जो जान है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन किए आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्राणियों से अलग है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मींस होल सोल मैनेजर ऑफ योर हार्डवेयर, और यही इसकी जान है, और तभी आपका कंप्यूटर दिखता है। अब मान लीजिए मैं अपना ये मोबाइल डालू, अब जब तक मोबाइल में मुझे वो इंटरफेस नहीं दिखेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जब तक मुझे यहाँ पर इंटरफेस नहीं दिखाई देगा मैं काम नहीं कर सकता। तो पहले मैं इसका इंटरफेस खोलूंगा, ये इसका इंटरफेस आ गया। अब इस इंटरफेस पे मैं जो भी काम करूंगा वो मैं कर सकता हूँ। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यू एंड हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के साथ मुझे काम करने के लिए परमिशन जो दे रहा है वो एंड्रॉइड दे रहा है। Android is the interface between me and my hardware, and operating system is the interface between application software and hardware. और बाकी के जो दोनों सॉफ्टवेयर है भाई, हमको काम करना है तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो हमको चाहिए, सभी हमारे इंटरफेस कहलाते हैं। तो ये था ओवरव्यू आज की क्लास का, कि हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर को हम किस तरीके से डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये आज हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज हैं, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, जो आपको कल या परसों ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ संजीव भदौरिया, और पाइथन ट्रेंड चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका चैनल है, और टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि अब मैं आपको टीचिंग के टिप्स भी साथ साथ में दूंगा, कि कैसे हम ऑनलाइन टीचिंग करें इस बढ़िया इंटरफेस के साथ, कैसे हम बच्चों की गूगल मीट से क्लास लें, ये भी मैं आपके सामने बताने वाला हूं। और जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे लिख रहा हूं,
सामने सामने होकर मैं सारी चीज़ें कैसे लेकर आऊँ, कैसे मैं इस तरीके की इमेजेस लेकर आया था, जैसे मैं इसी को लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, ये इमेज को मैं कैसे लेकर आया और पढ़ाने के लिए मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। ये लाइट बोर्ड को बनाने का कंप्लीट वीडियो आपके इस चैनल पे आने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ऑन दिस चैनल। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को इसको बताइए। टीचिंग में बहुत हेल्प करेगा हमारा ये चैनल, और इसमें मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट छोटे छोटे लेकर आऊँगा। अभी तो जैसे मैं पाइथन पढ़ा रहा था, फिर टीचर्स के लिए इसमें सपोर्ट लेकर आया, और अब मैं इसमें बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए भी सपोर्ट लेकर आऊँगा, ढेर सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।